देखो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये बताया गया है कि कब कंस्ट्रक्टिव और कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो इमेजिन करो दो रेज, जो दो सोर्सेज हैं वहाँ से आपको कितने सोर्स चाहिए, दो सोर्स चाहिए ताकि लाइट इंटरफेयर करे। अब दो सोर्स आइडेंटिकल चाहिए, तो अब पुराने अगर डायग्राम में जाएं, दो सोर्स आइडेंटिकल के लिए आप लाइट के दो बल्ब लेके आओगे जो आइडेंटिकल होने चाहिए, लेज़र लाइट लेके आओगे जो आइडेंटिकल होने चाहिए। आप एक कंपनी के अगर दो बल्ब भी ले आओगे वो कभी आइडेंटिकल नहीं होते। आइडेंटिकल इतने होने चाहिए कि अगर एक जो लाइट है वो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकलती है, तो अगर 2000 इलेक्ट्रॉन एक के एक एटम एक लाइट के ऊपर गए तो दूसरे के भी उतने ही जाने चाहिए और इकट्ठे नीचे आने चाहिए। इतनी आइडेंटिकल वेव नहीं बन सकती चाहे बल्ब सेम हो। तो यंग्स ने क्या किया, यंग्स ने एक ही बल्ब लिया, बस एक, और आगे स्क्रीन रख दी, कार्डबोर्ड रख दिया, उसमें दो होल्स कर दिए, होल्स को स्लिट बोलते हैं, स्लिट ओपनिंग्स। तो इक्विडिस्टेंट पे रखा ये सोर्स, तो यहां से लाइट आई, यहां से लाइट आई, तो यहां से बाहर निकलेगी क्योंकि इक्विडिस्टेंट है, तो बराबर लाइट बाहर निकलेगी, एक जैसी लाइट बाहर निकलेगी क्योंकि वो एक ही सोर्स से प्रोड्यूस की गई है। तो ये किसी काम का नहीं है, काम का यही है। तो एक्चुअल में दो स्लिट से उसने दो सोर्स बना लिए, पीछे एक ही बल्ब रखा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, आइडेंटिकल सोर्स उसने कैसे बनाए और डायग्राम ये ऐसा क्यों बन रहा है, ठीक है यहां तक। तो हमने लास्ट टाइम किया था कि अगर ये एक वेव आ रही है और एक ये वेव आ रही है, दोनों में क्या होगा, फेज का डिफरेंस। तो अगर एक वेव की इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो दूसरी वेव की इक्वेशन बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि फेज डिफरेंस होगा एक और दूसरे वेव में, एक में क्रेस्ट और ट्रफ कम है, एक में क्रेस्ट और ट्रफ ज्यादा है, हमने डिस्कस किया था। आइडेंटिकल वेव्स हैं, होना ये चाहिए कि एम्पलीट्यूड दोनों का एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, पर मैंने जान के डिफरेंट रखा है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में डिफरेंट एम्पलीट्यूड के साथ क्वेश्चन आते हैं। हाँ, एंड में स्पेशल केस ले लेंगे ए इज इक्वल टू बी का, पर अगर आइडेंटिकल नहीं है मीन्स अगर एम्पलीट्यूड दोनों का चेंज्ड है तो कैसे न्यूमेरिकल करने हैं, इस वजह से ए और बी रख लिया। तो किसी भी पॉइंट पर स्क्रीन पर क्या होगी, सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन में जो नई वेव बनेगी वो कंस्ट्रक्टिव होगी, डिस्ट्रक्टिव होगी, वो कैसी होगी, उसके लिए आपको दोनों वेव की इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन, और एक नई वेव की इक्वेशन आएगी। अब जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास ये टर्म आ गई। यहां तक क्लियर है, ये नीचे का जो लिखा हुआ है ये आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसा समझें, जो वेव के अंदर ये जो टर्म होती है ए, वो होता क्या है, वेव का एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जितना बड़ा एम्पलीट्यूड होगा लाइट उतनी ही बड़ी होगी, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी। एम्पलीट्यूड छोटा होगा, इंटेंसिटी कम होगी। क्लियर है? तो ए का एम्पलीट्यूड ए है, ए का एम्पलीट्यूड बी है। अब एम्पलीट्यूड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम ऐसा करते हैं इन स्टेड की ट्रिग्नोमेट्री यूज करें। ए का एम्पलीट्यूड अगर ए है, ए का एम्पलीट्यूड अगर बी है, दोनों वेक्टर्स हैं और दोनों के बीच में एंगल का डिफरेंस कितना है, फाइव। तो दोनों के बीच में दोनों एम्पलीट्यूड इज डिस्प्लेसमेंट, तो दो वेक्टर में एंगल का डिफरेंस फाइव। तो ऐसे केस में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से बताओ नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस फाइव। बस, तो ये सारे स्टेप आपके बच गए, कुछ नहीं करना आपने, सीधा आपने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लिख देना है फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सिंपल। तो कुछ जरूरत नहीं है ट्रिग्नोमेट्री से करने की, समझ में आ रहा है यहां तक। तो आपने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल दिया आर, राइट? तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया। अब एक चीज याद रहे, अगर लाइट का एम्पलीट्यूड ए है और एम्पलीट्यूड बड़ा है तो लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है। अब इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, तो एनर्जी समथिंग, जो इंटेंसिटी है वो एनर्जी रिलेटेड है, और एनर्जी स्केलर है तो इंटेंसिटी भी स्केलर है, पर एम्पलीट्यूड वेक्टर है, तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का आपस में लेना देना है। और क्या लेना देना है, ये लेना देना है कि लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो लाइट के एम्पलीट्यूड के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ये आपने याद रखना है कि लाइट की जो इंटेंसिटी है दैट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? तो मुझे एक बात बताओ, ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया, दोनों वेव्स को मिला के एम्पलीट्यूड इसके इक्वल आ गया, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आएगी, इस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगी। इस आर को यहां से यहां पुट करके होल स्क्वायर कर दें तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आएगी, प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस फाइव। क्या ये पॉइंट क्लियर है?
तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसके इक्वल है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इसके इक्वल है। क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है, अब अगर आप चाहते हो कि स्क्रीन के ऊपर ये दो वेव मिलें और इंटेंसिटी वहाँ पर मैक्सिमम आए, मैक्सिमम का मतलब कौन सी इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव हो, तो आपकी इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आनी चाहिए वहाँ पर लाइट की, मैक्सिमम। दोनों वेव को मिला के रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आनी चाहिए, मैक्सिमम। और मैक्सिमम तब आएगी जब कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इसकी, वन। तो इंटेंसिटी अपने आप रिजल्टेंट मैक्सिमम है, और कॉस फाई वन कब है, मेडिकल के लोग याद रखेंगे, जब एंगल फाई जीरो, टू पाई, फोर पाई, जो मर्जी एंगल ले लो फाई में, कॉस फाई वन ही आएगा। तो इन जनरल फाई क्या होता है, टू एन पाई। ये चीज मैंने आपको किसी और तरीके से करवाई थी लास्ट लेक्चर में, कि अगर ब्राइटनेस का पॉइंट है तो फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, टू एन पाई, याद आ रहा है? तो ये करवाया था मैंने, लेकिन मेरा कराने का तरीका डिफरेंट था, वो आपको समझाने के लिए था, लेकिन ये तरीका आपको फॉलो करना है। तो ये समझ में आ रहा है? फिर मैंने ये बताया था कि दो वेव में फेज डिफरेंस अगर 2n पाई है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, मैंने क्या शॉर्टकट बताया था, 2 पाई को रिप्लेस कर दो किससे, तो पाथ डिफरेंस दो वेव्स का क्या होना चाहिए, n लैम्डा। तो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर फेज डिफरेंस 2n पाई है और पाथ डिफरेंस n लैम्डा है तो कौन सी इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। क्लियर है यहां तक? उसी तरीके से बुक्स ऐसे यूज करती हैं। अब ये क्या चीज है ये भी साथ साथ बता देता हूं, मैं नहीं करता, मैं तो एन लैम्डा एक सेकंड में जो है सीधा लिख देता हूं। बुक्स कैसे करती हैं, बुक्स ये करती हैं कि इमेजिन करो कि अगर आपके पास वेव, जो वेव है उसका फेज 2 पाई है, तो उसका जो पाथ है या पाथ डिफरेंस है वेव का वो कितना होगा, लैम्डा किया था हमने। तो अगर फेज 1 है तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो अगर फेज का डिफरेंस डेल्टा फाई है तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू डेल्टा फाई। तो ये मेरे पास क्या आ गया, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस को काफी बुक्स डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करती हैं। तो फॉर्मूला बन गया, डेल्टा एक्स इज लैम्डा बाय 2 पाई इनटू डेल्टा फाई, या फिर पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस, या फिर उल्टा इसको ऐसा भी कर सकते हो कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक सबको, फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ। तो आप चाहो तो एक फॉर्मूला लिख लें बस, ये वाला, ये कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, बस ये लिख लें कि फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। क्या स्टेप क्लियर है? तो अगर आपका फेज डिफरेंस 2n पाई है तो पाथ डिफरेंस n लैम्डा आ जाएगा। पर मैं ऐसा यूज नहीं करता, जरूरत पड़े तो मैं कर सकता हूं, पर ऑब्जेक्टिव बुक सीधा ये यूज करती है। मैं रिप्लेस कर देता हूं 2 पाई को किससे, लैम्डा, तो एक ही बार में आंसर आ जाता है, तो ज्यादा आसान है मेरे को लगता है 2 पाई को लैम्डा रिप्लेस करना। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो उसी तरीके से कंडीशंस किसकी आएंगी, डिस्ट्रक्टिव की। डिस्ट्रक्टिव तब होगा जब इंटेंसिटी रिजल्टेंट क्या होगी, मिनिमम। कॉस फाई की वैल्यू मिनिमम क्या होती है, -1। तो जब आप इसमें -1 पुट करोगे कॉस फाई मिनिमम आएगा। और मेडिकल लोग समझ लें, नॉन मेडिकल तो आता ही है कि जब एंगल पाए 3 पाए 5 पाए यानी कि 2n माइनस 1 पाए हो फेज डिफरेंस, तो क्या आएगा, कॉस फाई -1 यानी कि मिनिमा। पर मैंने इसको समझाने का तरीका मेरा कुछ और था, मैंने भी सेम कंडीशन प्रूव की थी कि अगर फेज डिफरेंस 2n माइनस 1 इनटू पाए हो तो मिनिमम है, पर मेरा वेव्स थे मैंने समझाया था कैसे, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वैसे, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो पाथ डिफरेंस निकालना है तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे पता है 2 पाई का मतलब क्या होता है, लैम्डा, तो पाई का मतलब क्या है, लैम्डा बाई 2, तो इसमें रिप्लेसमेंट कर दूंगा पाई की जगह लैम्डा बाई 2। तो मेरे पास पाथ डिफरेंस सीधा आ जाएगा कितना, 2n माइनस 1 इंटू कितना, लैम्डा बाय 2। क्लियर है यहां तक? तो ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आ गया। तो आपको ये चार कंडीशंस पता होनी चाहिए कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2n पाई, और पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, n लैम्डा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2n माइनस 1 इंटू पाई, बॉक्स में डालते रहो फॉर्मूला, और पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाय 2।
क्लियर है यहाँ तक? अब स्पेशल केस है, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो फैसला हो गया cos phi की वैल्यू क्या होगी 1, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos phi की जगह 1, तो सॉल्व करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट a प्लस बी, तो यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा किसी भी वेव का a प्लस बी, और इंटेंसिटी मैक्स क्या होगी आर मैक्स का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, आर मैक्स क्या है a प्लस बी प्रोपोर्शनल की जगह कॉन्स्टेंट, तो आई मैक्स आ गया। उसी तरीके से अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो cos phi की जगह -1, तो सॉल्व करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट a माइनस बी, आर मिनिमम आ गया, आर मिनिमम आ गया तो आई मिनिमम क्या होगा आर मिनिमम का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इन्हें अगर डिवाइड कर लें आई मैक्स आई मिनिमम को, ब्रैकेट में इसको बॉक्स में डालो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, आई मैक्स बाय आई मिनिमम का फॉर्मूला ए प्लस बी बाय ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यह आएगा इसके ऊपर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो फॉर्मूला क्लियर हो गया यहां पे। नेक्स्ट है, अब स्पेशल केस है, अगर मान लो दो आइडेंटिकल सोर्स है तो एम्पलीट्यूड दोनों का क्या रहेगा सेम, तो ए इज इक्वल टू बी, तो आर मैक्स क्या था ए प्लस बी, बी की जगह ए पुट कर दो कितना आ गया 2a, आर मिनिमम क्या था ए माइनस बी, तो ए और बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आर मिनिमम क्या आएगा 0, तो इंटेंसिटी मिनिमम क्या आएगी 0, तो उन पॉइंट्स पर डार्क बैंड्स क्या होंगे परफेक्टली डार्क, वहां पर बिल्कुल भी ब्राइटनेस की होगी क्योंकि क्रेस्ट और ट्रफ पूरी तरह एक दूसरे को क्या कर जाएंगे कैंसिल, ठीक है? अब मुझे पता है रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होता है आर वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos phi या आर स्क्वायर इसके इक्वल होता है, राइट? एक काम करते हैं, मान लो फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड ए है और इंटेंसिटी आई वन है, और मुझे पता है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो इंटेंसिटी इज के इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड अगर बी है इंटेंसिटी आई टू है तो मैं लिख सकता हूं आई टू इज इक्वल टू के इंटू बी का स्क्वायर, क्लियर है यहां तक? ऐसी रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज के टाइम्स रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, सही है यहां तक? तो अगर मैं आर स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करना चाहूं तो क्या पुट करूंगा आई आर डिवाइडेड बाय के, यहां से ये पुट कर दिया। अगर मैं ए स्क्वायर पुट करना चाहूं तो क्या आएगा आई वन डिवाइडेड बाय के, अगर मैं बी स्क्वायर पुट करना चाहूं आई टू डिवाइडेड बाय के प्लस टू इन टू, अगर मैं ए पुट करना चाहूं ए क्या आएगा अंडर रूट ऑफ आई वन बाय के और बी की जगह अंडर रूट ऑफ आई टू बाय के, तो डिनोमिनेटर में के 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 और के आपस में कैंसल, तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। तो आपको न्यूमेरिकल में या तो एम्पलीट्यूड्स गिवन होंगे या इंटेंसिटीज गिवन होंगी दो वेव्स की, और आपको अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है तो एम्पलीट्यूड की फॉर्म में आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी कॉस फाइव, और इंटेंसिटी की फॉर्म में आंसर आएगा आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। अब सपोज करो जब दो स्लिट्स थी दोनों स्लिट्स की विड्थ डब्ल्यू वन है, जितनी बड़ी उसकी विड्थ होगी लाइट उतनी ही ज्यादा बाहर आएगी, यानी कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ, तो याद रखना विड्थ बड़ी होगी इंटेंसिटी ज्यादा आएगी, विड्थ छोटी होगी इंटेंसिटी कम आएगी, तो विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, तो डब्ल्यू वन बाई डब्ल्यू टू इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय, तो ये लास्ट फॉर्मूला है, क्लियर है यहां तक? तो इसमें जो YDSC के अंदर पहला फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए वो है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, दूसरा फॉर्मूला रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, तीसरा फॉर्मूला फेज डिफरेंस का, कंस्ट्रक्टिव में पाथ डिफरेंस का, डिस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस का और पाथ डिफरेंस का, नेक्स्ट आई मैक्स और आई मिनिमम का ये वाला फॉर्मूला, नेक्स्ट रिजल्टेंट इंटेंसिटी का इन टर्म्स ऑफ आई वन आई टू, और लास्ट ये फॉर्मूला। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक?